आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें, तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो भारत चीन के बीच जल्द खत्म हो सकता है गतिरोध। तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 6 महीने से ज्यादा समय से जारी गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। दोनों देश के बीच कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत के दौरान गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के सैनिक अगले कुछ दिनों में टकराव वाले कुछ स्थानों से पीछे हट सकते हैं। इसका तौर तरीका तय करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि भारत इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि बातचीत और समझौते को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। डोबरा चाटी पुल जनता को समर्पित। तो टिहरी से खबर, जहाँ पे टिहरी झील पर बने देश के पहले डोबरा चाटी भारी वाहन झूला पुल रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि 725 मीटर लंबे इस पुल के बनने से प्रताप नगर क्षेत्र की 2.5 लाख की आबादी का वर्ष 2006 से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। पहले प्रताप नगर क्षेत्र के निवासियों को जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते थे, अब यह दूरी सिर्फ 2 घंटे रह गई है। इससे आवागमन में और समय धन दोनों की ही बचत होगी। मच्छल में 3 आतंकी ढेर, कैप्टन सहित 4 शहीद। तो कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में शनिवार मध्य रात्रि सरहद पार से आतंकी की बड़ी घुसपैठ को सेना नाकाम कर दे। इस दौरान 3 आतंकी को मार गिराया गया, लेकिन एक कैप्टन समेत सेना के 3 जवान और BSF का 1 कांस्टेबल शहीद हो गया। रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया के अनुसार कार्रवाई में सेना के 2 जवान घायल भी हुए हैं। पीएम मोदी ने आडवाणी को जन्मदिन पर बधाई दी। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर 93वें जन्मदिन की बधाई दी। सैनिक स्कूलों में 1 प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले। तो अब देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 व 9 में दाखिले के लिए सिर्फ 1 परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसों में बिना टिकट कर सकेंगे स्मार्ट सफ़र। तो आने वाले समय में पूरे देश में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक ऐसे स्मार्ट कार्ड को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो टिकट की जरूरत को ख़त्म कर देगा। इस कार्ड का उपयोग बस, मेट्रो, ट्रेन, कहीं भी किया जा सकता है। 6 माह में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार इस कार्ड की खासियत यह होगी कि जैसे ही यात्री बस में चढ़ेगा, उसकी यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और उतरते समय तय दूरी के हिसाब से अपने आप किराया कट जाएगा। कोरोना के लिहाज से थोड़ा सुकून में बीता रविवार। तो बीते दिनों के मुकाबले नए संक्रमित की संख्या घटी। प्रदेश में 243 नए मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की जान चली गई। तो कोरोना के लिहाज से रविवार का दिन थोड़ा सुकून भर रहा। प्रदेश में 243 लोग कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि कई दिनों के से यह आंकड़ा हर रोज 400 के ऊपर जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब में कुल 10,954 सैंपलों की रिपोर्ट मिली, जिनमें 10,711 की रिपोर्ट निगेटिव आई। देहरादून में सबसे ज़्यादा 97 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 54, पौड़ी में 21, नैनीताल में 14, उत्तरकाशी में 12, उधमसिंह नगर व टिहरी में 11-11 और रुद्रप्रयाग में 10 नए मामले सामने आए। चंपावत में 7, चमोली में 3, अल्मोड़ा में 2 और बागेश्वर में 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। फ्लैट देने में देरी, 19 लाख का जुर्माना। तो एक अदद आशियाना की उम्मीद में खून पसीने की गाड़ी कमाई लगाने के बाद भी निवेशकों को समय पर फ्लैट नहीं मिल पा रहे। ताज़ा मामला एनिमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की रुड़की स्थित आरोग्यम परियोजना से जुड़ा है। बिल्डर की जिन 2 फ्लैट पर सितम्बर 2016 पर कब्जा देना था, उसके लिए निवेशक अब तक भटक रहे हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए तैयार की मजबूत नींव। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से विशेष बातचीत, बोले प्राकृतिक उत्पादों के जरिए स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। डकैती के वांछित बदमाश को ले गई हरियाणा पुलिस। तो डकैती के मामले में वांछित एक बदमाश को हरियाणा पुलिस देहरादून से गिरफ्तार कर ले गई। हरियाणा पुलिस रविवार दोपहर को देहरादून पहुंची। यहां ISBT पुलिस चौकी में पुलिस ने आमद दिखाई और मुस्लिम बस्ती में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ISBT चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी ने बताया कि मुस्लिम बस्ती में रहने वाला कासिफ ने वर्ष 2011 में हरियाणा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में हरियाणा पुलिस अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
साहसिक खेलों के लिए बनेगा विभाग, तो सीएम तो साहसिक खेलों के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित माउंटेन टेरेन बाइकिंग रैली को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वदेशी स्वरोजगार दीपावली मेला शुरू, तो महापौर उनियाल गामा ने किया उद्घाटन, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 दिवसीय स्वदेशी स्वरोजगार दीपावली मेला नगर परिषद में रविवार से शुरू हो गया है। हॉट एयर बैलून का दिया डेमो, तो राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पार्क से हॉट एयर बैलून का डेमो दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर छाए देहरादून के 2 छात्र, तो नई शिक्षा नीति की सुझाव पुस्तक भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नव युग का अभिनंदन में देहरादून के 2 छात्रों के लेख प्रकाशित हुए हैं। श्री गुरुराम राय स्कूल नेहरू ग्राम के छात्र प्रिंस माझी और मनीष पाल ने यह उपलब्धि हासिल की है। वन्य जीव सुरक्षा को हाई अलर्ट, कर्मियों की छुट्टी रद्द, तो दीपावली पर शिकार की आशंका के मद्देनजर उठाया कदम। तो दीपावली के दौरान वन्य जीवों के शिकार की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी संरक्षित क्षेत्रों में उद्यान, 7 अभयारण्य और 4 कंजर्वेशन रिजर्व में वन कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। गश्त तेज करने के साथ ही उल्लू का शिकार रोकने पर खास फोकस किया गया है। गैरसैंण में नए राशन कार्ड वितरण की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में नए राशन कार्ड वितरण की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी के जंगल की आग हुई बेकाबू, एक छानी जलकर खाक हो गई, तो सीमांत जनपद में कंट्रोल वार्निंग के नाम जंगलों में लगाई गई आग बेकाबू होती जा रही है। गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी के जंगल धू कर जल रहे हैं। द्वाराहाट विधायक नेगी की घर पहुंची जांच टीम, तो महिला से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महिला की तहरीर के आधार पर मसूरी, दिल्ली, नैनीताल आदि ठिकानों के बाद देहरादून पुलिस की विशेष टीम ने विधायक के काली खोली स्थित आवास में दबिश दी। आरोप है कि इसी आवास में महिला व विधायक की शुरुआती मुलाकात हुई थी। शाम की जांच टीम विंसर अल्मोड़ा स्थित महिंद्रा क्लब भी गई, विधायक यहां भी महिला के साथ रहे थे। बात करते विकास नगर की खबरों की, तो बिना बैंड बाजे के सादगी से संपन्न हुआ विवाह, तो गुरु परंपरा के तहत रमेणी विवाह में शामिल हुए सीमित लोग। 2 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं, तो विकास नगर से खबर आई, जहाँ पे नशे की रोकथाम को चल रहे ऑपरेशन सत्य के तहत सेलाकुई थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के वांछित आरोपित को पकड़ा गया, तो रविवार को सहसपुर थाना पुलिस ने फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपित को लखनवाला के पास से गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से बचाव को पुलिस ने निकाली रैली, तो विकास नगर से खबर आई है। बात करते हैं रुड़की खबरों की, तो बालाजी स्वीट्स के मालिक पर मुकदमा दर्ज, तो मैंगलोर में शनिवार को बालाजी स्वीट्स में मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फटने के मामले में पुलिस ने दुकानदार मालिक आशीष गर्ग पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। पोल से बाइक टकराई, 2 दोस्तों की मौत, तो एक युवक का 30 नवंबर को होना था विवाह, दूसरा शादीशुदा था, दोनों के घरों में मातम छा गया है। तो बिजली के पोल से बाइक टकराने से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। ऋषिकेश की खबरों की बात करते हैं, सरकारी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय 4G सेवा से जुड़े, तो मुख्यमंत्री ने डोईवाला कॉलेज से की सेवा की शुरुआत। वही खबर रही है रायवाला से, जहाँ पे पालतू कुत्ते को घुमा रही महिला पर झपटा गुलदार, तो राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे हरिपुर कली में गुलदार का आतंक बढ़ने लगा है। रविवार देर शाम यहाँ गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसको जख्मी कर दिया। बात करते हैं कोटद्वार की खबरों की, तो रंग लाई मेहनत, बंजर भूमि ने उगला सोना, तो लॉकडाउन में घर वापस लौटे युवाओं ने खेती में अजमाए हाथ, कमाए लाखों रुपए। रोजगार देने में सरकार असफल, तो बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर के युवा कांग्रेस ने धरना दिया, तो कोटद्वार से खबर आई है।
बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो खत्म हुआ प्रताप नगर का वनवास, ग्रामीणों ने दिवाली मनाई, तो पुल पर आवागमन शुरू होने से आसान हुई रहा। बुलेरो खाई में गिरी, दो की मौत हो गई। तो उत्तरकाशी खबर है, जहाँ पे बुलेरो वाहन गुया घाटी में अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया, जिसमें दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन चालक को हल्की चोट आई है। यह सभी व्यक्ति शीतकाल के लिए जरूरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए पुरोला आए थे। वाटर टैंक खाई में गिरा, चार घायल हो गए। तो अग्निशमन का वाटर टैंक चंबा कोटी मोटर मार्ग पर गजना गांव के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। हादसे में चालक समेत तीन फायरमैन घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बेराड़ी नई टिहरी भर्ती कराया है, जिसमें से एक को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। तो बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर में भर्ती एक कोरोना संक्रमित वृद्धा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं, तो पत्नी की मौत के मामले में पति गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर है, जहाँ पे रविवार को पथरी थाना क्षेत्र में नसीरपुर कला गाँव निवासी विवाहिता शबनम की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति मुख्य आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे हरकी पेड़ी क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई। गियर में होने से ढलान में होने के कारण ट्रैक्टर लुढ़कने पर अचानक स्टार्ट हो गया और उसे रोकने की कोशिश में चालक उसके नीचे दब गया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। तो मध्य हरिद्वार की कॉलोनी में रविवार को एक पुजारी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में पुजारी ने लिखा कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने के कारण वह आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रिफाइंड सरसों तेल और बर्फी के सैंपल लिए गए। तो हरिद्वार से खबर आई है, वही खबर आई है, हरिद्वार से संतान की दीर्घायु को माताओं ने रखा व्रत। तो अहोई अष्टमी पर धर्मनगरी में रविवार को माताओं ने संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखा। बात करते अल्मोड़ा की खबरों की, तो छात्र कोष से निकाली धनराशि की हो जांच। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने छात्र संघ और छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा छात्रों के कोष से कराए गए कार्यों व धनराशि की जाँच की मांग उठाई है। बीएड प्रवेश परीक्षा में 21 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो अल्मोड़ा से खबर आई, कोविड अस्पताल बागेश्वर में पहले संक्रमित की मौत। तो 62 वर्षीय चमोली निवासी बुजुर्ग 7 को आया था अस्पताल। मीठे जहर के सौदागरों पर नजर। तो पहाड़ पर चोरी छिपे पहुंच रहे हैं मिलावटी दूध पदार्थ, प्रशासन चौकस हो गया है। पलायन थमेगा, बरकरार रहेगी प्रदेश की रौनक। तो उत्तराखंड में 20 साल के लंबे अंतराल के बाद पलायन थमने के लिए चल रहे कसरत उम्मीदें जगाने वाली हैं। पलायन के कारणों का पता लगाने के बाद अब इनके निवारण पर कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया उत्तराखंड सोमवार को 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर राजधानी देहरादून समेत राज्य भर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो महिला मित्र से मिलने गए युवक को बेरहमी से पीटा गया है। तो महिला मित्र से मिलने आए लाल कुआं के एक युवक को अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। हमलावरों ने युवक की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी और मोबाइल और पर्स भी छीन लिया। युवक जान बचाकर हल्दीचौड़ चौकी पहुँचा, जहाँ से उसे हल्द्वानी चिकित्सालय भेज दिया गया। अपराध छिपाने पर नशा मुक्ति केंद्र का संचालक गिरफ्तार। तो कमलुआ गांजा रोड स्थित आदर्श जीवन नशा मुक्ति केंद्र में प्रवीण की हत्या के मामले में पुलिस ने संचालक राजीव जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि संचालक ने अपराध को छिपाने का काम किया। रविवार को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती पिथौरागढ़ के आगर गांव निवासी प्रदीप टमटा की सफाई से मना करने पर पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। ट्रैफिक प्लान फेल, गाड़ियों के पहिए थमने से सड़कों पर जाम। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पर हल्द्वानी बाजार में दीपावली की खरीदारी को उमड़ी भीड़, गाड़ियों का दबाव बना बड़ी चुनौती। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पर सराहनीय कार्य करने वाली 20 शक्तियों को सम्मान दिया गया।
367 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, तो 14 शहरों 17 केंद्रों पर हुई बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा स्क्रीनिंग के बाद मिली एंट्री। बीएससी बीकॉम में ऑफलाइन आवेदन कल से होंगे, तो एमबीपीजी कॉलेज से खबर आई है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की, तो नेपाल पुलिस ने पकड़ी 3.700 किलो चरस, तो तस्करी कर भेजी जानी थी भारत, तस्कर फरार हैं। वहीं खबर है यह धारचूला से, जहां पे बिजली लाइन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। धारचूला से खबर है जहां पे लापता युवक को मां के सुपुत्र किया, तो विगत 11 माह से भारत में लापता नेपाली युवक को शनिवार को उसकी मां को सौंप दिया गया। खबर है पिथौरागढ़ से, समकोट में लगा बीएसएनएल का टावर, तो विधायक निधि से लगा टावर, समकोट से लेकर के कोटा 15 पाल क्षेत्र में अब बजेगी मोबाइल की घंटी। लुहाघाट से खबर है जहां पर रेंगल बैंड के पास वाहन पलटा, तो पार्टी ब्लॉक मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर रेलंग बैंड के पास रविवार सुबह एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। वहीं खबर आई है बाजपुर में स्टेडियम के अधूरे निर्माण पर भड़के खिलाड़ी, तो मौके पर पहुंचे कार्यदायी संस्था के अफसरों को सुनाई खरी खोटी। हत्यारोपित पूर्व सभासद गिरफ्तार, तो मुख्य आरोपित पूर्व सभासद राजेश को रामनगर पुलिस ने यूएस नगर पुलिस को सौंप दिया। नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड महाविद्यालय को हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया, इससे छात्राओं पर किताबों का बोझ कम होगा। सीएम बोले नौकरी को लेकर अपनी सोच बदले युवा, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में सोच है कि जितनी अच्छी सरकारी नौकरी होगी उतनी ही अच्छी पत्नी मिलेगी, इस सोच को युवाओं को बदलना चाहिए। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट या स्वयं का व्यवसाय, सभी बेहतर होते हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहिए, दूसरों को रोजगार देने वाला और खुद नौकरी पैदा करने वाला बनना चाहिए। दून से प्रताप नगर के लिए चली विश्वनाथ बस सेवा, तो देहरादून से प्रताप नगर के लिए विश्वनाथ बस सेवा शुरू हो गई। रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद परेड ग्राउंड से बस सेवा का शुभारंभ किया गया। दादी के खाते से ऑनलाइन शॉपिंग में पोता गिरफ्तार, तो अपनी दादी के खाते से चोरी छिपे 2 लाख से अधिक की ऑनलाइन शॉपिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपी के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है।